अच्छी से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं, आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैडम, आपने बुलाया था मुझे? हाँ, तुम्हारे जिम्मे जो काम लगाया था उसका क्या बना? क्या तुझे लगता है कि तूने सही फैसला किया है? क्या मतलब है अम्मी? मेरा मतलब है कि तू खुश रहेगी ना। मोहब्बत शादी की वजह तो बन सकती है, मगर मोहब्बत के सर पे शादी नहीं चलती। अब क्या करेंगे नबी? अगर वो ऐसा कह रही है तो हमारी शादी को कैसे मानेगी? थोड़ा सा वक्त लगेगा तो वो मान जाएगी, और अगर ना माने तो? अरे कहाँ हो तुम भाई? मैं इतने फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। तुम्हारा फोन भी बंद आता है कई दफा। क्यों ऑन रखती? जब मैं आपको फोन करती हूँ आप मेरा फोन काट देते हैं, उसके बाद मोबाइल ऑफ कर देते हैं। फोन मेरे पास नहीं, वो मारिया के पास था मेरे ख्याल में उसकी। जी जी, मैं आपको अभी कॉल करता हूँ। ओके 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 ओके। अरे अरे, इधर 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 आ जाओ, तुम्हारी वो जगह नहीं है। लंबी ब्रीफिंग नबील, तो थक ही गई है। हाँ, जरा कॉफी तो पिलवा दो अच्छी सी। हाँ मैं पिलवाता हूँ। दो कॉफी लाओ यार, अच्छी सी बना के जल्दी। ऐसी ये ब्रीफिंग इसी तरह से होती है, चले चले जा रही थी, चले चले जा रही थी। अरे हाँ यार, ये बस एक मरतबा शुरू होते हैं ना मार्केटिंग वाले, तो फिर चुप होने का नाम ही नहीं लेते। वैसे ठीक ही है लॉन्च, लेकिन एड मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अच्छा क्यों? बोर सा है, कुछ इसमें ड्रामा ही होना चाहिए। एक लड़का एक लड़की, कम से कम एक दो बच्चे तो डालते ना उसके अंदर। देखो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को बच्चों के मुस्तकबिल की लालच के साथ जोड़ेंगे ना, तो ये बहुत पॉपुलर हो जाएगा। आखिर इंसान सब कुछ अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तो करता है। ये बाय द वे, तुम प्रोजेक्ट के हवाले से कह रही हो या इसको मानती भी हो? कॉफी कुछ लेट नहीं हो गए? बताता हूँ, कुछ जाता हूँ। आज तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। अच्छा और क्या, मैं तो ऐसे ही अवॉइड करती रही, वरना ये ऑफिस जाना तो काफी फन का फन है ना। ओह रियली? हाँ। अच्छा सुनो, मैं बस मुंह हाथ धो के आती हूँ, फिर कहीं बाहर चलते हैं खाने पे। क्या मतलब बाहर चलते हैं? घर पे ही खाएंगे यार, वो मैंने। नहीं ना, इतने दिन हो गए हम लोग बाहर नहीं गए, चलेंगे मजा आएगा। ओके अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मैं बस आई अभी। मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है, बड़ा मेहरबानी।
हेलो अम्मी, कहाँ है? बेटा मैंने कहाँ होना है, घर पे हूँ, क्या हुआ? अम्मी आप मेरे पास आ जाएं, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? नबील कहाँ है? अम्मी बस आप मेरे पास आ जाएं। अच्छा बेटा, तू चुप तो कर, मैं आती हूँ। बस जल्दी आ जाए। आती हूँ मैं, बस निकल रही हूँ घर से। ईमेल पे तो यही उन्होंने लिखा है कि जो रेट्स हम आपके साथ फाइनल कर रहे हैं वही होंगे और इसमें कोई चेंज नहीं हम कर सकते। तो कंपेयर कर लेते हैं ना दूसरी ऑफर। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, मैंने आपको बताना था कि आज आपकी मीटिंग है आशिया दैट सन्स कंस्ट्रक्शन के साथ। ओह हाँ, बिल्कुल 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 है, और मेरे एजेंट से बिल्कुल ही निकल गया। एक काम करो, उनकी फाइल निकालो और जो आखिरी ईमेल उन्होंने भेजी थी ना वो साथ लगा देना, मैं ले जाऊँ। ठीक है सर, मैं कर। थैंक यू। अचानक से तुम्हारी मीटिंग कैसे निकल आई? नहीं नहीं, अचानक तो नहीं निकली थी उनके साथ मीटिंग, मेरे जेन से निकल गया हुआ था यार। ओहो, अच्छा किया अजमत ने याद करवा दिया मुझे, उनसे तो बड़ी ज़रूरी दो चार चीज़ें डिस्कस करनी थी मुझे। अच्छा, तो वापस कब तक आओगे? टाइम तो लग जाएगा। तो तुम यहाँ ऑफिस में अकेली क्या करोगे, घर चली जाओ? घर जाके क्या करूँगी अकेली बैठ के, बेहतर है यहीं पर इंतज़ार कर लूँ। तुम आ जाओगे तो साथ ही घर चले जाएंगे। वैसे अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं यही हूँ, जब आओगे तो चलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं ड्राइवर से कहूँ तुम्हें घर छोड़ दे? नहीं ठीक है, श्योर, जल्दी आना बस। हाँ, चलो देखते हैं। इतनी बड़ी खबर क्यों छुपा के रखी उससे, फोन पर बता देती उसको। अम्मी ऐसी बातें फोन पर बताने वाली थोड़ी ना होती है, मैंने सामने बिठा के उनसे कहना चाहती थी, लेकिन दो दिन से उनका कुछ पता ही नहीं है। फोन भी नहीं आया? फोन करते हैं, ठीक से बात नहीं हो पाती, कभी कोई पास होता है, कभी फोन काट देते हैं, बिजी होते हैं। यही वहम हो रहा था मुझे, पता नहीं क्या होगा। जो जब भी उनकी जरूरत हुई है मुझसे दूर रहे, तभी मैं तंग आ चुकी हूँ जिंदगी से। बेटा मैंने तो पहले भी कहा था, मगर तेरी मर्जी के आगे हम लोग चुप हो गए थे। मैं देखती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, तुम कैसे हो? मैं जी बिल्कुल ठीक। दानिया? वो अपने कमरे में, आ जाओ। जी दानिया, दानिया दानिया, दरवाजा खोलो प्लीज। अम्मी इनसे कहिए यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। दानिया बेटे ऐसा नहीं करते, खोलो दरवाजा। दानिया प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना आप यहाँ से जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं खुलवाता हूँ। दानिया दरवाजा खोलो, क्या बचपना है भाई? क्यों आए आप यहाँ? आपका वक्त तो बहुत कीमती है ना, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे भाई एक मौका तो दो मुझे प्लीज, खोलो दरवाजा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मत करो बात, जा रहा हूं मैं यहाँ से, और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मुझे फोन कर देना।
क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोलो ना, क्यों नाराज हो? बार बार बताना जरूरी है क्या? अपना रवैया देखिए। क्या हुआ मेरे रवैये को? बोलो, है क्या हुआ है मेरे रवैये? नबील, दो दो दिन तक आपका अम्मी बैठी। क्या मैं, मेरा क्या, मुझे बोलने भी नहीं दे रहे। दो दो दिन तक आपका पता नहीं होता, मुसाफिरों की तरह घर आते हैं, चंद घड़ियां बैठते हैं और चले जाते हैं। आप तो मेरी जिंदगी में ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं। यार, फोन किया तो था मैंने तुम्हें, तुमने मेरा फोन बंद कर दिया। मैंने फोन बंद कर दिया था? आपने मुझे कहा मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करता हूँ, फिर आपका पता ही नहीं, ऐसे जैसे कभी थे ही नहीं, बिल्कुल गायब। अरे मैंने अभी कहा तो है कि मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन बंद कर दिया। तुमने ही पता, जिस इन हालात में मुझे आपकी जरूरत और आपका कुछ पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं इस तरह मेरे साथ? अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ, क्या अचानक जरूरत पड़ गई तुम्हें? दो दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ बात बताने के लिए। कौन सी बात बताओ ना, क्या बताने के लिए बोलो, बोलो ना क्या हुआ है प्लीज। अब बाप बनने वाले। क्या, अरे इतनी बड़ी खबर तुमने मुझे, तुम मुझे फोन पे बता देती। फोन पे बताने वाली बातें हैं नबील? नबील बहुत हो गया, अब इस शादी को और नहीं छुपाएंगे, बता दीजिए अब। नहीं, कब से मेरे कान तरस रहे थे ये खबर सुनने के लिए। हाँ चलो बस आ तैयार हो जाओ, हम इसको सेलिब्रेट कर। नहीं अब बहुत हो गया, मैं तंग आ गई हूँ आरजी खुशियों से। अपने कैसी बातें कर रही हो तुम, अब तो हमारा रिश्ता मजबूत होने जा रहा है, मत करो ऐसी बातें प्लीज। मुझे फैसला चाहिए, मुझसे वादा करें कि आप मारिया को सब कुछ बता देंगे, हमारी इस शादी के बारे में, इस बच्चे के बारे में, सब कुछ वादा करें मुझसे। बता दूंगा, जरूर बता दूंगा उसे, बस थोड़े दिन और, जहाँ पे इतना इंतजार किया है कसम से सब ठीक हो जाएगा, वादा करता हूँ तुमसे। ले बेटा दूध पी ले। मैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बेटा इस हाल में भूखे रहना ठीक नहीं होता। शाबाश पी ले। आपने देखा अम्मी, नबील मेहमानों की तरह आए और चले गए। बेटा उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, थोड़ा सा वक्त दे दे उसे, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक ना हुआ तो किस्मत के लिखे से कौन लड़ सकता है? जो किस्मत से लड़ते हैं वो या तो फाते होते हैं या मकतूल। क्या सोच रही है बेटी? यही कि आपकी किस्मत जिसके साथ जुड़ी हो वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अम्मी नबील मारिया को नहीं बताएगा तो ये सब कैसे ठीक होगा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। हाँ बेटी, कहती तो तू भी ठीक है, मगर खुद को उसकी जगह रख के सोच। जो चीज़ें हमें इतनी आसान लगती हैं हो सकता है वो इतनी आसान ना हो सकता है ये इतना मुश्किल नहीं जितना उन्होंने बना दिया। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, बस तू अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख,
टेंशन बिल्कुल ना ले। औरत के पांव औलाद ही मजबूत करते हैं। अब दूध पी ले बेटा। शाबाश। बहुत ज्यादा है ये शो। तुम जितनी टेंशन ले रही हो ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मजीद बढ़ती जाएगी। तो फिर ना दिया करो तुम इतनी टेंशन। अच्छा तो मैं देता हूँ तुम्हें टेंशन। कितनी लगानी है इंसुलिन? ज्यादा है तो 35 लगा दो। 35 करता। ये इंसुलिन बनाने वाला भी ना सीधा जन्नत में जाएगा। चलो नाश्ता कर लो और फिर ऑफिस के लिए भी निकलना। चाय लाई? क्या मैं देता हूँ एक। कितनी है? अरे यश शुगर तुम्हारी बहुत हाई है। मुझे लग रहा था। मैं ऐसे करता हूँ तुम्हें इंसुलिन लगा देता हूँ फिर तुम फौरन खाना खा लो। नहीं नहीं रहने दो बस, अब मुझे घर ही ले जाओ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। श्योर? हाँ मैं जाके रेस्ट करूँगी, खाने वाने का कोई मूड नहीं है। चलो ठीक है। हाँ यही मुनासिब तुम्हारे लिए। हाँ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाँ अगर इसकी यही कंडीशन रही तो इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त बची कैसे हुई है ये। कोई परेशानी, कोई शॉक तो नहीं लगा, कोई टेंशन? नहीं साजिद, आई डोंट थिंक सो। बल्कि 3-4 दिनों से मेरे साथ ऑफिस जा रही है एंड शी वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। कोई इंसुलिन की कमी ज्यादा? नहीं आए मेरा नहीं ख्याल। जितने यूनिट तुमने कहे थे लगाने को मैं उतने ही लगा रहा हूँ। हाँ कभी ये बदपरहेज ही कर ले तो ये मुझे खुद ही कह देती है कि 5-6 एक यूनिट बढ़ा दो तो मैं बढ़ा देता हूँ। नबी तुमने अब इसे अपने साथ ऑफिस नहीं लेके जाना? यार मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 3-4 मरतबा मना भी किया इसे, लेकिन तुम्हें मालूम है ये कितनी स्टबन है, कहाँ सुनती है किसी की। शुगर के पेशेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि अगर शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए तो किडनीज पर असर हो जाता है या कभी कभी इंसान कोमे में चला जाता है। और अगर ये कुछ देर तक होश में ना आई तो मुझे ज़रूर कॉल कर देना, और अगर होश में आ जाए तो उसको प्लीज़ मेडिसिन दे देना, मैं शाम को दोबारा चक्कर लगाऊंगा। ठीक जेनी आप इधर बैठ जाइए और यहाँ से हिलिएगा मत प्लीज़। साहब सुबह तो अच्छी भली ऑफिस गई थी, अचानक क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हो गया, अपने कमरे में बैठी थी, कह रही थी तबीयत खराब हो गई है, फिर अचानक बेहोश हो गई और मैं उठा के घर ले आया। परेशान करती है मुझे इन्होंने। मैडम को बच्चों की टेंशन है, वो नहीं चाहती कि बच्चों के लिए आप दूसरी शादी कर लें, और इसी टेंशन ने उनका ये हाल कर दिया। सर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो ये मर जाएंगी। ये तो बेवकूफ है, कौन सी कोई इतनी उम्र गुजर रही है इसकी, खामखा अपने ज़हन में ऐसे मफरूज़े सोचती रहती है। आप इन्हें समझाएं
मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसकी जिद के आगे तो बेबस हूँ मैं। ये सारी उम्र आपको खोने के खौफ में तो नहीं गुजार सकती ना? खौफ तो इसने अपने अंदर पाला हुआ, इसके खौफ का इलाज मेरे पास नहीं है। सर मैं आपके लिए खाना लगा रही हूं। नहीं, भूख नहीं है मुझे, बस आप यहीं बैठी रहिएगा, उठिएगा नहीं यहाँ से। जी मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर साजिद को और मुझे दोनों को फ़ोन कर दीजिएगा। जी साजिद का नंबर है ना आपके पास? जी सर। हेलो, मैं जैनी बात कर रही हूँ। अगर यहाँ होते हुए भी आप कहीं और हैं तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? इस बात का क्या मतलब है? जहीन आदमी है, आसान सी बात आपको समझ नहीं आ रही। तंस करने के अलावा भी हम कोई बात कर सकते हैं? कोई और बात करने के लिए वक्त चाहिए होता है जो आपके पास नहीं है। हर वक्त तो मारिया सर पे मुसलत रहती है। बोला माँ, जब आपको अपने और मेरे बारे में सोचना चाहिए तब भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। फॉर गॉड्स सेक, अगर ऐसी बातें करनी है तो मैं चला जाऊंगा यहां। तो चले जाइए, मुझे वैसे भी आपके बगैर रहने की आदत हो गई है। ये तो आप ही हैं जो आके मेरी आदत खराब कर देते हैं। देखो, इतना आसान नहीं होता है ये सब कुछ करना। हालात को किस तरह मैं मैनेज कर रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। और जिन हालात का मैं सामना कर रही हूं उसके बारे में क्या? इस कंडीशन में मुझे किसी की जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपके वक्त की जरूरत है जो आपके पास है ही नहीं। आंटी है तुम्हारे पास? आंटी काफी नहीं है नबील, औरत को अपने शौहर के प्यार की उसके वक्त की जरूरत होती है। बहुत सी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। यही जो तुम मुझसे जली कटी बातें कर रही हो, दो बातें अच्छी सी शेयर कर लेती तो क्या हर्ज होता तुम्हारा? आपको प्यार और जली कटी बातों में फर्क ही नहीं मालूम? फर्क पता है तो यहाँ हूँ, वरना मैं भी। वरना क्या? नहीं बोलिए ना वरना। मैंने कह दिया ना कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। फॉरगेट इट। कब से इस हालत में है? आज हालत ज्यादा खराब हुई है सर। नबील कहाँ है? वो कहीं काम से बाहर गए। उसकी बीवी की हालत खराब है और वो काम से गया, इससे ज्यादा और जरूरी काम क्या हो सकता? सर मैं क्या कह सकती हूँ, कह रहे थे कि मेडिसिन लेकर आ जाऊंगा। मारिया के डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर ज्यादा देर तक होश ना आया तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, मुझे तो कहा गया था कि जब मैडम की तबीयत ज्यादा खराब हो तो आपको कॉल करनी है, वो मैंने कर दी। नबील को पता है कि तुमने मुझे फोन करके बताया? नहीं सर,
जब मैंने आपको फोन किया तो वो घर पे नहीं थे। ठीक है, अभी उसे इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। जी सर, नहीं पता चलेगा। मुझे जरा मारिया के डॉक्टर का नंबर देना। जी, मैं भी लाती हूँ। अब ये क्या हो रहा है? जब तुम मुझे चाय तक नहीं पूछोगी तो मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी ना। तो आप कितना पूछते हैं मुझे, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अब यहाँ भी लड़ाई करनी है तुमने? अच्छा, नहीं लड़ती, चलिए मैं चाय बनाती हूँ। रहने दो, बना लूंगा चाय मैं, आती है। इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको क्या बनाना आता है। क्या मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ मैं? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जानती हूँ आप कितने अच्छे हैं। लड़ाई को आज मैं अवॉइड ना करती तो सब पता चल जाना था। क्या पता चल जाना था? बाय द वे, आई एम सॉरी। सॉरी कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये सुनने की आदत हो चुकी है मुझे, कोई असर नहीं होता मुझ पर। अच्छा, तो फिर किस बात का असर होता है जनाब पे? जिस बात का असर होता है वो आप सुनना ही नहीं चाहते। देखो, हम लड़के और लड़कियों वाले रोमांस से काफ़ी बड़े हो गए हैं। रोमांस में बड़े ना होने का भी अलग रोमांस है, मगर आप तो इस बात को समझेंगे नहीं कभी। अच्छा ना यार, क्या है, भूल चूक हो जाती है इंसान से, इसीलिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूं। आई प्रॉमिस इट वॉन्ट हैपन अगेन। वो कैसे? कल से मारी ऑफिस नहीं आएगी। क्यों, वो ऑफिस क्यों नहीं आएगी? डॉक्टर ने मना कर दिया उसे ऑफिस जाने से। क्या हुआ, सच में कुछ हुआ है या फिर? अरे कम ऑन यार, क्या ऐसा होगा, डॉक्टर ने मना किया है उसे। ठीक है, आप अंदर बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। शुक्र खुदाया, नबील का है? नबील, नबील का है? वो बाहर गए हैं काम से, अभी आ जाएंगे। मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप ऑफिस गई थी ना, वहां आपकी तबीयत खराब होगी। नबील को बुला दो, नबील से कहो जल्दी आ जाए। मैं अभी नबील साहब को, डॉक्टर साहब को फोन करके बताती हूँ कि आपको होश आ गया।
कैसा फील कर रही हो? बेहतर हूँ पहले से। चलो शुक्र है यू आर फीलिंग बेटर। तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। हाँ, इसीलिए मुझे छोड़ के कहीं और चले गए थे। मैं तुम्हारी दवाई लेने के लिए गया था। कोई जरूरत नहीं थी मेरी दवाई लाने की। तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था, कहीं नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हो? तुम्हें पता तुम्हारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारी किडनीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन तुम जब ऑफिस से आ जाओगे तो एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अभी बोलो, अभी कर लेते। सुबह सुबह नहीं बता सकती, शाम को आओगे तो आराम से बात कर लेंगे। चलो ठीक है, आशुतोष, सी यू इन द इवनिंग। सर आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है ना? क्या खैरियत होनी है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चीजों को हैंडल कैसे करना है। सर आप टेंशन न लें, टेंशन लेने से मसाइल थोड़ी हल होते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा सर। यू राइट, लेकिन गलती हम करते हैं और डाल हम अल्लाह पे देते हैं कि वो ठीक कर देगा। लेकिन सर हमारे पास आखिरी वसीला भी तो वही है। आखिरी वसीला? जी हाँ, चलिए भिजवाइए उनको। हाँ हाँ ओके। के बिल्डर्स की जो फाइल है उसको निकालिए, वो मैं जाते हुए साथ लेके जाऊंगा, खुद ही स्टडी करूंगा वहां। ठीक है सर, मैं निकाल देता हूँ सर। मैडम आपको एक बात बतानी थी। हाँ क्या? मैंने हुमायूं साहब को फोन किया था। हुमायूं अंकल को क्यों? सेठ साहब की वसीयत थी। वसीयत थी? क्या मतलब वसीयत थी? उन्होंने कहा था अगर कभी मारिया बेटी बहुत बीमार हो जाए या कोई परेशानी हो तो हुमायूं साहब को फोन पे बता देना। तो फिर वो आए थे, आप उस वक्त बेहोश थी, उन्होंने आपको देखा, आपके डॉक्टर का नंबर लिया और चले गए। ये क्या बहेली है जैनी? हुमायूं अंकल का मेरी बीमारी से क्या ताल्लुक है? डैडी ने ऐसा क्यों करने को कहा? पता नहीं, ये तो उन्हीं को पता होगा, मैंने तो उनकी वसीयत पे अमल किया। वसीयत? अजीब सी बात है। तुम एक काम करो जी, बशीर को जरा फोन करके बुलाना। जी मैं अभी उनको फोन करके बुलाती हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? देखो ठीक प्लीज। अरे आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए। अरे यार मेरी आदत है, बस ऐसे ही गायब हो जाता हूँ। क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? व्हाट? टर्किश कॉफी अगर हो जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। हाँ अजमेर साहब, किसी को भेज के ना टर्किश कॉफी मंगवाइए प्लीज।
हाँ जल्दी हाँ राइट राइट ओके ओके जी मैं मारिया के डॉक्टर के पास गया था क्यों बस ऐसे ही ये जानने के लिए कि उसकी तबीयत अचानक खराब क्यों हो गई तो फिर क्या कहा डॉक्टर्स ने आपको डॉक्टर्स तो वही बताते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स बताते हैं इनफैक्ट इंसान के अंदर सोच के कौन से धारे चल रहे हैं इसका पता नहीं चलता उन्हें आई एग्री इसीलिए मैं भी बर्नार्ड शॉ की तरह ये डॉक्टर्स जो है ना इनको मैन ऑफ साइंस नहीं मानता तो आपको क्या लगता है कि ये जो धारे हैं सोच के ये किस तरफ जा रहे हैं जब तुम्हारी मारिया से शादी हो रही थी तो भाईजान की कुछ एप्रीहेंशंस थी कुछ रिजर्वेशंस थी उनकी कैसी वैसी ही जैसी मारिया जैसी बच्ची के मारिया जैसी बच्ची के बाप की हो सकती है होनी भी चाहिए व्हाई नॉट अरे यार ये तुम्हारी टर्किश कॉफी कुछ लेट नहीं हो गई I'm really sorry. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हाँ अजमत क्या हो गया भाई क्यों शर्मिंदा करवा रहे हो मुझे उनके सामने हैं अच्छा आगे चलो भिजवाओ फौरन अंदर भिजवाओ आगे सर बस वो ला रहा है बना पता ही कॉफी जब तक मेरे हलक से नीचे नहीं उतरे ना तो मुझसे बात नहीं होती गुड गुड नहीं बस आ गई बताइए तैयार कर लिए उसने क्या था मैं लेके आता हूँ मैडम बशीर का नंबर तो बंद आ रहा है क्या मतलब बंद आ रहा है ये कैसे हो सकता है पता नहीं कितनी बार मिलाया लेकिन फोन बंद है अच्छा उसके साथ एक और आदमी होता था क्या नाम था उसका नवीद हाँ हाँ उसको जरा फोन करके देखो कहाँ गया है वो अब ठीक है तो अब कुछ बता रहे थे मुझे बिल के हवाले से भाईजान की एक विल थी ये जो सारी जायदाद है अगर मारिया के यहाँ कोई बच्चा नहीं होता तो ये ट्रस्ट की मलकियत रहेगी मारिया अगर चाहे तो इसे बेच सकती है किसी के नाम शिफ्ट कर सकती है लेकिन उसके बाद नहीं और दूसरी सबसे अहम बात मारिया की मौत की सूरत में खुदा ना खास्ता चाहे वो हादसाती हो या तबीयी हो जो भी शख्स उसके सबसे करीबी होगा उससे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा के लंदन जाने के बाद मैं और बशीर साये की तरह साथ साथ थे नबील साहब के तो वो किसी लड़की के साथ फिरते थे जी तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था नहीं लॉक तो किया था मैंने शायद जल्दी में भूल गई होंगी
तो तुम यहां भी पहुंच गए। सपने को जी जी करती है, हाय क्या करूं मैं, क्या करूं, आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती है आंखें, हर सपने को जी जी करती।